हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च के बारे में, मतलब कि जब भी रिसर्च करें तो क्या मोटिवेशन आपकी होनी चाहिए, वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी इस वीडियो में। उसके साथ साथ हम एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए कौन सी रिसर्च एक वे है, किस तरीके से हम काम करते हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो ये सभी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं 3 वीडियोज आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इससे रिसर्च मेथोलॉजी फॉर PhD 2020 की जो स्पेशल सीरीज मैंने चला रखी इस चैनल पर, उसके 4th वीडियो ये रहेगी। आपको प्ले लिस्ट में शो हो जाएगी, एंड स्क्रीन में मैं लिंक भी दे दूंगा और आई बटन में भी शो हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मोटिवेशन इन कंडक्टिंग रिसर्च। तो रिसर्च के लिए क्या मोटिवेशन की जरूरत हमें होती है, तो सबसे पहले तो हमें रिसर्च डिग्री यानी कि जो हम कहते हैं PhD या MPhil आप जो लेते हैं, उसके लिए आप ज्यादातर काम करते हैं कि डॉक्टर लगाना है हमें, या फिर कुछ चीजें आपकी जो आपके बेनिफिट्स हैं वो आपको लेने हैं, एक्वायर करने हैं, इस वजह से हम जो रिसर्च है उसको कंडक्ट करते हैं। उसके बाद आपका जो फेस टू फेस जो चैलेंजेस होते हैं उनको सोल्व करने के लिए हम जो भी आपके अनसोल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जो बिना सुलझाई हुई गुत्थी है उसको हम सुलझाने का प्रयास करते हैं, फेस टू फेस चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं आपके रिसर्च के दौरान। इसके साथ साथ हम इंटेलेक्चुअल जो सेटिस्फेक्शन है हमारी, उच्च इनोवेशन वर्क करने के लिए वो हमारा वर्क रहता है, वो हमारी सोच रहती है, इस वजह से हम आपकी रिसर्च करते हैं। उसके साथ साथ हम कुछ अपने समाज को, अपने सोसाइटी को सर्विस देने का प्रोवाइड करते हैं, कुछ हमें सर्विस देनी चाहिए, कुछ हमें सोसाइटी के लिए करना चाहिए, इस वजह से हम आपकी रिसर्च करते हैं। उसके साथ साथ हमारी डिज़ायर होती है कि कुछ हमारा सोशल स्टेटस बने, अगर सोशल स्टेटस बनाना है तो भी हम रिसर्च करते हैं, इससे हमारा सोशल स्टेटस बनता है, कुछ सोसाइटी को सर्व करेंगे, इनोवेटिव वर्क करेंगे, कुछ अनसोल्व्ड प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, या अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाएंगे, तो इससे एक तरीके से सोशल स्टेटस अच्छा मिलता है, इस वजह से हम रिसर्च करते हैं, राइट। उसके साथ साथ कुछ पॉलिसी होती हैं, यानी कि हमें उनमें डिसीजन मेकिंग का काम करना है, और ये चीज़ें आपकी रिसर्च में करने के पीछे हमारी मोटिवेशन होती है, हमारी एक चाहत होती है। उसके साथ साथ लिस्ट की बात करें तो आप रिसर्च में आपका जो भी है अंडरटेक करते हैं कोई भी चीज़, मोटिवेशन आपकी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जो 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए, ये 6 पॉइंट हर एक जो रिसर्च होती है उसके पीछे होते हैं। किसी का ओपिनियन हो सकता है कि जो MPhil PhD का जो डिग्री मिलती है वो लेना हो, किसी का ये मानना हो कि जो अनसोल्व्ड प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जाए, कुछ का ये मानना है, कुछ इस वजह से करते हैं कि इनोवेटिव वर्क लगे लोगों को, कुछ सोचते हैं कि सर्विस हमें सोसाइटी को देनी है इसलिए हम रिसर्च करते हैं, कुछ लोग सोशल स्टेटस अपना एनहांस करने के लिए करते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी ज़रूरी होती हैं किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के, ठीक है। तो ये आपको होप बिल्कुल समझ आया होगा। इसके साथ साथ जो भी आपका मेन एम होता है उसमें किसी भी रिसर्च में, तो हुआ करना है हमें फाइंड आउट द ट्रूथ, मतलब कि सच्चाई की जांच करनी है, जो भी आपके हिडन यानी कि छुपे हुए जो भी आपके आईने हैं या छुपे हुए जो चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करना है, डिस्कवर करने के लिए भी हम रिसर्च करते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी रिसर्च करने के पीछे कुछ आपके मोटिव होते हैं, मोटिव को हम जोड़कर चलते हैं कि ये मोटिव हमारा होना चाहिए, इसके बिहाफ पे हम रिसर्च करते हैं। अभी हम कुछ पॉइंट्स की बात करें तो एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कुछ गेन करते हैं, कुछ चीज़ों को अचीव करते हैं, जो भी आपके न्यू इंसाइट्स हैं उनको हम ऐड ऑन करने का प्रयास करते हैं, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ये आपके एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मिलता है। फिर हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपका वो चीज़ें होती हैं पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल पर, कोई या सिचुएशन पर या ग्रुप पे, कोई भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम कुछ डिस्क्राइब करने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हम किसी ST पॉपुलेशन पर काम करते हैं, SC पॉपुलेशन पे काम करते हैं, किसी भी कम्युनिटी के किसी भी ग्रुप को, किसी भी आपकी सिचुएशन को हम एग्जामिन करते हैं, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में होता है, राइट। उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक रिसर्च की बात करें तो डायग्नोस्टिक रिसर्च में वो चीज़ें होती हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कोई फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं कि जो आपकी कुछ चीज़ें हैं वो ओकर होती हैं यानी कि घटित होती हैं, उनको कैसे एसोसिएट
किसी से किया जा सके, ये चीज़ें हम देखते हैं कि डायग्नोस करके कि वो चीज़ें किसको इफेक्ट कितना कर रही हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा डायग्नोस करते हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग कितनी कितनी आपकी जो चीज़ें हैं वो घटित हो रही हैं, किसी से कितना संबंध हो रहा है, ये चीज़ें हम इसमें खोजने का प्रयास करते हैं। अगर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करें तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम जो भी आपके रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरिएबल्स उसको जानने का, उसको एग्जामिन करने का प्रयास करते हैं किसी भी रिसर्च में। हाइपोथेसिस में आप ये समझिए कि एक पॉइंट है या बी पॉइंट है, तो एक पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपका रिलेशनशिप देखने का प्रयास करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च स्टडी में यही हम ये एग्जामिन करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से आप ये बिल्कुल आप रखें कि ये चीज़ें आपकी जो है रियली में मिलती हैं, किसी भी स्टडी को करने के पीछे हमारा कुछ मोटिव होता है जब भी हम कोई स्टडी करते हैं, और इस तरीके से हम जो चीज़ें हैं वो आपकी एक्ट होती हैं, वो हेल्ड होती हैं, ये चीज़ें आपकी मिलती हैं रियल ग्राउंड पे। तो ये छोटी छोटी जो आपकी वीडियोस मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, इन सभी की पीडीएफ्स यहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम की यूनिक आईडी है, इस पर जाकर आप वो पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर मेरे वर्क को सपोर्ट करते हैं तो इस पे अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन जो आपके हैं वो भी मेरे साथ कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अपने जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय।